हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें वाराणसी कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई थी। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जो वाराणसी में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की है। इसमें अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई। 2 साल बाद ये सालाना तीर्थ यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है। इस साल करीब 3 लाख श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को मुंबई के मजगांव डॉक्स में लॉन्च किया है। कार्यक्रम के शुभारंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोविड और यूक्रेन में चल रहे उथल पुथल के बीच इन विध्वंसकों का निर्माण और शुभारंभ हमारी समुद्री क्षमता और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। केंद्रीय मंत्री फ्रांस में प्रतिष्ठित कॉन फिल्म महोत्सव में शामिल होंगे। 75वें कॉन फिल्म महोत्सव के रेड कार्पेट कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधि मंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ संगीतकार एआर रहमान और नमाजुद्दीन सिद्दीकी भी शामिल हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद है। नेताओं की सेनानिवृत्ति की आयु के बारे में लंबी चर्चा के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि वर्तमान में पार्टी के बुरे दौर में जल्दबाजी में ऐसा निर्णय लेना एक बुरा विचार होगा, क्योंकि ये सही निर्णय नहीं होगा। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेश में ढील देते हुए कहा है कि 13 मई से पहले जो भी गेहूं की खेप कस्टम विभाग को सौंप दी गई थी या फिर उसका विवरण उनके सिस्टम में दर्ज कर लिया गया था, उसे अनुमति दी जाएगी। जीएसटी पोर्टल पर करदाताओं को तकनीकी खराबी का सामना करने के बीच सरकार ने मंगलवार को कहा है कि वो अप्रैल में कर भुगतान यानी जीएसटी की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है और उसने इन्फोसिस को समस्या का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया है। भारत सरकार को जल्द से जल्द रोजगार के आंकड़ों का सही चित्र प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि देश की नीतियों के प्रभावों के बारे में लोगों को सही जानकारी मिल सके। अजो वास्टल स्टील फैक्ट्री में फंसे घायल यूक्रेनी सेना और विदेशी लड़ाकों की निकासी के लिए यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत ऊंचे स्तर पर चल रही थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि स्टील प्लांट में छिपे 250 से अधिक यूक्रेनी लड़ाकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इमरान खान पर अपने कार्यकाल के दौरान अब्दुल कादर विश्वविद्यालय को अनुचित लाभ देने के आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि खान की पत्नी बुशारा बीबी और उनकी दोस्त विश्वविद्यालय के ट्रस्टी है। पाक सरकार ने इमरान खान के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।